वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ आशिमा और आप देख रहे हैं आशी माई लाइफ। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बिल्कुल अच्छे होंगे। देखिए, जैसे वादा किया था, मैं आ गई हूँ एक और ब्लॉग के साथ। इस ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कुछ बहुत ही स्पेशल चीज़ से करना चाहती हूँ। तो आज है 27th of November। 27th of November मेरे लिए काफ़ी स्पेशल है। क्यों? क्योंकि आज मेरी दीदी की बेटी का बर्थडे होता है, सुमायरा। उसका नाम सुमायरा है। मैं बहुत सालों में, ये पहला ही ईयर है जब मैं उसके साथ नहीं हूँ। नहीं तो शुरू से हमेशा उसके बर्थडे पे तो मैं हमेशा उसके साथ होती ही हूँ, बट इसी बार ऐसा हुआ कि मैं उसके साथ नहीं हूँ, तो मैं उसको बहुत मिस कर रही हूँ। पर उससे वीडियो कॉल पे बात हो गई, वीडियो कॉल पे विश किया उसको। चलो ठीक है, थोड़ा गुजारा करना पड़ता है क्योंकि वो इंडिया में है और मैं यहाँ पे हूँ दुबई में, तो मैं उसको काफ़ी मिस भी कर रही हूँ। तो मैं अभी ये वाला जो टाइम है, ये वाला जो व्लॉग है, स्पेशली इसकी स्टार्टिंग मैं मेरी नोना को डेडिकेट करना चाहती हूँ। उसका घर का नाम नोना है, हम लोग सब उसे प्यार से नोना बुलाते हैं। तो मैं ये सब हैप्पी बर्थडे नोना। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत सालों में, ये पहला ईयर है जब मैं साथ नहीं हूँ, बट हाँ, मैं तुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। बट कोई बात नहीं, वीडियो कॉल पर तो सही, हम साथ तो होंगे ही ना, बर्थडे तो हमने साथ में ही मनाया। मैं सीरियसली तुझे बहुत मिस कर रही हूँ। मेरी पार्टनर इन क्राइम, हमारा रात को मैगी खाना, मैक्रोनी खाना, वी मिस एवरीथिंग। और बर्थडे के लिए इतना एक्साइटेड होना, ड्रेस लाना, क्या पहनेंगे, क्या पार्टी करेंगे, लास्ट ईयर हमने कितना धमाल किया था, इस साल वो सब नहीं है। बट हाँ, तू इन्जॉय कर। मासी तो हमेशा, अगर नोना खुश तो मासी खुश है ना। लव यू सो मच। तो गाइस, 27 नवंबर के साथ साथ आज संडे भी है, मतलब कि मेरा ऑफ डे है। तो मैंने सोचा चलो कहीं घूमने चलते हैं बाहर। घूम के थोड़ा सा ग्राउंड काट के आती हूँ, मेरा व्लॉग भी बन जाएगा। तो मैंने दुबई एक्सप्लोर भी अच्छे से नहीं किया है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो कहीं चलते हैं जिससे कि एक्सप्लोर हो जाएगा। तो आप भी मेरे साथ चल रहे हैं, ठीक है? अच्छा, वैसे मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। मैं जा रही हूँ दाऊ क्रूज़ पे। नेवर बीन टू क्रूज़, सिर्फ मूवीज़ वगैरह में देखा है। बट हाँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ पे जाने के लिए। मैं आपको ना फटाफट से, हम लेट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, मैं आपको फटाफट से ना रेडी होकर अपना लुक दिखाती हूँ और फिर हम निकलते हैं। तो ये है मेरा पूरा लुक। मैंने बूट्स पहने हैं और ये मेरी ड्रेस। चलो अब निकलते हैं। मैंने आज तक सिर्फ मूवीज़ में क्रूज़ देखा है, उसके अलावा तो मैंने नहीं देखा। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि हम कब पहुँचेंगे वहाँ पे। तो अभी तो हम सिर्फ मेट्रो स्टेशन पहुँचे हैं। मेट्रो स्टेशन में यहाँ के ना एयरपोर्ट जैसे लगते हैं, सीरियसली। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भीड़ नहीं होती। आज तो देखो कितना खाली लग रहा है, बट यूजली ऐसा खाली होता नहीं है। संडे है ना आज, तो इस वजह से भीड़ नहीं है, क्योंकि लोग ऑफिस वगैरह नहीं जा रहे होंगे और इस वजह से काफ़ी खाली लग रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर मुझे। हेलो फ्रॉम मेट्रो। तो गाइज, हम पहुंच गए हैं दुबई क्रीक। यही वो जगह है जो हमारे को हमारी डेस्टिनेशन तक पहुंचाई। मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने के बाद का नज़ारा। अभी हम यहाँ पे रास्ता पूछ रहे हैं कि हमें किस तरफ जाना है, फिर देखते हैं कि कहाँ जाए। ये रास्ते में मुझे एक ब्रिज दिखा, काफ़ी सही लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं इसे कैप्चर करती हूँ। वाओ, वो शायद हमारा क्रूज हो सकता है, वो वाला। ये आई एम एक्साइटेड। मुझे बस पानी देखना अच्छा लगता है ऐसे सामने से, बट पानी से डर बहुत लगता है मुझे। फाइनली हम जा रहे हैं हमारे क्रूज़ की तरफ। मुझे सबसे ज़्यादा यही है कि सबसे ऊपर वाली सीट हमें मिलनी चाहिए, इसीलिए मैं भाग रही हूँ जल्दी जल्दी। ये है हमारा क्रूज़, मुझे तो काफ़ी प्रीटी लगा। Thank you.
जिकर दा दिला दूं तैनू बुर्ज खलीफा। तो बेसिकली है ना, घोड़ा बन के लोगों के पास जा रहे हैं और मतलब कि उनको टीज कर रहे हैं। कितना एक्साइट, कितना क्यूट लग रहा है, अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो अब मैं जा रही हूँ रूम पे, अब मैं आपसे मिलती हूँ डायरेक्ट रूम पे। बाय बाय क्रूज। तो गाइज मैं आ गई वापस और मैंने चेंज भी कर लिया। मैंने सोचा मैं पहले चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद वीडियो की एंडिंग लूँगी। सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, काफ़ी ज़्यादा ऐसी हुई कि हमने एक्सपेक्ट कुछ और किया था और हुआ कुछ। जैसे हम, मैं ऊपर सीट चाहती थी, चलो वन थिंग वो मिल गई। सेकेंडली मैं ये चाहती थी कि हमारे को कोने में मिले कम से कम, ताकि हम इंजॉय कर पाए, बट हमें वो नहीं मिल पाया। तो बट कोई नहीं, हमारा फर्स्ट टाइम था। नेक्स्ट टाइम हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमें कैसे कैसे क्या क्या करना है, तो उसके बेसिस पे हम जो से चाहते हैं वैसे मिल जाएगा। बाकी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी थी। वो जो शो थे वो बहुत अच्छे थे। वो जो एक छोटी सी बच्ची ने वहाँ पे डांस किया था वो भी बहुत अच्छा था। मतलब इट वाज़ अ वेरी नाइस, इट वाज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने कभी क्रूज़ नहीं देखा था, पर आज मैंने देखा तो मुझे आई फेल्ट वेरी नाइस। बाकी हम और भी जगह जाएंगे, इसे दुबई में काफ़ी जगह और भी ज़्यादा क्रूज़ हैं, इससे बेटर क्रूज़ है बहुत। मरीना क्रूज़ है यहाँ पे, मैं वहाँ पे ज़रूर जाना चाहती हूँ एक बारी, और मैं जाऊँगी ज़रूर। जब जाऊँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तो मैं जहाँ गई थी वहाँ की थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ। मैं गई थी अलजदा, मतलब हमारा जो रूट, जहाँ हमारी डेस्टिनेशन थी वो दुबई क्रीक की तरफ थी। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे, हमारे क्रूज़ का नाम था, मतलब उस क्रूज़ को बोलते हैं दाऊ क्रूज़, और जो हमारा क्रूज़ था उसका नाम था गोल्डफिश। वो हमारे को 70 दिरहम्स के आसपास पर पर्सन पड़ा होगा, जिसमें कि हमको अनलिमिटेड बुफे मिला था, दो शो मिले थे, एक पपेट शो था और एक और शो था, और हमारे को उसके अंदर 2 घंटे का पूरा टूर मिला था। तो इट वाज़ अ वेरी गुड एंड इट वाज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बहुत रिलैक्सिंग था, काफ़ी अच्छा लगा। बट हमारे को थोड़ी साइड में सीट मिल जाती तो हमें और ज़्यादा मज़ा आता, बट कोई बात नहीं, नो रिग्रेट्स। मेरी इन्फॉर्मेशन किसी के भी अगर काम आएगी तो मुझे, आई विल फील वेरी ग्लैड। जैसे कोई दुबई आना चाहता है या कोई ऑलरेडी दुबई में है और अगर उसको कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है, तो ही दैट पर्सन कैन यूज़ माई इन्फॉर्मेशन। चलो गाइज मैं जल्दी जल्दी इस वीडियो को एंड करती हूँ। प्लीज़ गाइज मेरी वीडियो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन ज़रूर दबा देना, क्योंकि अब मैं पूरी कोशिश करूँगी एक्टिव रहने की। पर अगर कभी फॉर अ चांस मैं एक्टिव नहीं रह पाई क्योंकि जॉब की वजह से, तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि मैं वहाँ पर रेगुलर अपडेट्स डालती रहती हूँ। मैं आपको मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। बाय, आई लव यू।